देखिए ये हड़िया पानी से पैर धो रही है पापा का, और पापा पैसा दे रहा है। जैसे बोल दो खुश खुश पास का पर्व बोल दो। जैसे खुश खुश पास का परा हाँ तो अभी मम्मी जो है बोलो अच्छा से। जैसु खुश खुश पास का परब। तो देखिए मैं तुम्हारे लिए क्या ला दिया हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक न्यू ब्लॉग पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप सब बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को तो दोस्तों पास का पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक बधाई आपको और आपके समस्त परिवार को। दोस्तों आपके सभी परिवार के सदस्यों को, भाई को, बहन को, मम्मी को, पापा को, चाचा को, चाची को, सबको पास का पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों 40 रात और 40 दिन हम लोग उपवास करने के बाद, इंतज़ार करने के बाद दोस्तों हम लोग को बेसब्री से इस पास का पर्व का इंतज़ार था। और आज दोस्तों 17 अप्रैल पास का पर्व बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग आज पास का पर्व मना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पास का पर्व मनाने से पहले हम लोग किस तरीके का तैयारी किए दोस्तों, कैसा क्या किए, हम लोग क्रूस रास्ता में किस प्रकार से भाग लिए, क्रूस रास्ता हम लोग किस तरीके का किए दोस्तों, वो सब आप मैं आप लोगों को दिखाया, आप लोगों को शेयर किया। अगर आप लोग ने नहीं देखा होगा तो आप लोग मेरा पिछले वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो आज दोस्तों पास का पर्व, आज हम लोग बहुत ही अच्छे से त्यौहार मना रहे हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों सुबह ही 6:30 बजे हम लोग चर्च गए थे, मिसा पूजा में बहुत अच्छे से भाग लिए। हम लोग अच्छे से मिसा पूजा करके आए, मैं गया था, मम्मी और मेरी वाइफ और पापा और मेरा भाई जो है नाइट में गए हुए थे, नाइट मिसा। ठीक है, 10 बजे से शुरू हुआ था और 2:30 बजे मिसा ख़त्म हुआ है, तो मैं नहीं जा पाया, तो मैं सुबह गया हुआ था। तो अभी जो है हम लोग घर पे बैठे हुए हैं और आज मैं आप लोगों को शेयर करूंगा कि हम लोग किस प्रकार से दोस्तों हम लोग पास का पर्व घर पे मना रहे हैं। मैं हूँ, पापा है, मम्मी है, भाई है, वाइफ है, सब कोई घरे में है और हम लोग कैसा पास का पर्व मनाते हैं और पास का पर्व के उपलक्ष्य में दोस्तों क्या क्या रोटी बना है, क्या पकवान बना है, क्या सब्जी बना है, क्या क्या बना है, सब आप लोगों को शेयर करूँगा। तो उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पे नया है दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिएगा। कैसा लगा एक कमेंट करिएगा और दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को लेके चलता हूँ, मम्मी क्या क्या रोटी बनाई है। सबसे पहले आप लोगों मम्मी से मिलवाऊँगा, पापा ऊपर उधर रोड साइड हैं और वाइफ जो है दुकान पर हैं, तो चलिए आप लोगों को मिलवाता हूँ मम्मी से। मैं आप लोगों को मम्मी से मिलवाता हूँ, ये मम्मी। जैसे बोल दो खुश खुश पास का पर्व बोल दो। जैसु खुश खुश पास का परा। हाँ तो अभी मम्मी जो है सबके लिए और क्या क्या रोटी बनाई है, क्या सब्जी बनाई है वो थाली पे लेके आई है। तो मम्मी क्या क्या रोटी बनाई है और क्या सब्जी बनाई है बता दे। मुर्गी चिकन है, थप्पा रोटी है, इसको देसी भजिया की है, भजिया बनाई है। तो मम्मी बनाई है भजिया और देसी चिकन है और थप्पा रोटी बनाई है। तो हम लोग आज है बढ़िया से हम लोग पास का पर्व के उपलक्ष्य में ये स्पेशल पकवान बनाए हैं, तभी हम लोग पूरा परिवार जो है मिल बांट के खाएंगे दोस्तों। तो अभी आप लोगों को शेयर करेंगे, ये खुशी का पल है दोस्तों। ठीक है, पास का पर्व हम लोगों का बहुत बड़ा त्यौहार, हम लोग कई दिनों से इस त्यौहार का इंतज़ार करते हैं और ये त्यौहार आ गया है, तो हम लोग बहुत अच्छे से त्यौहार मना रहे हैं। तो आप लोगों को शेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों को दिखाएंगे, ये बताएंगे कैसा टेस्टी बना है और कैसा बना है। तो आप लोग जो है व्लॉग पे बने रहिएगा। मम्मी जो है मेरे लिए जितना भी रोटी है वो सब दी। ठीक है, और भाई और वाइफ और पापा उधर ऊपर साइड है, तो मैं इधर आ गया हूँ टेस्ट करने के लिए और खा के देखते हैं कि कितना टेस्ट बना है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा, इसका मैं टेस्ट बताऊँगा। और ये स्पेशल दोस्तों देसी मुर्गा, ठीक है, बहुत ही अच्छा बनाया है क्योंकि मम्मी और वाइफ मिल के बनाए थे, सुबह 9 बजे से लगे हुए थे। और आप लोग किस प्रकार से त्यौहार मनाते हैं दोस्तों, आपके यहाँ पास का पर्व के उपलक्ष्य में क्या क्या बनाया गया है प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा, और आप लोग कैसा मना रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मैं फटाफट से खाता हूँ और ऊपर वाइफ के लिए भी पहुँचा देते हैं, और पापा तो उधर हैं जो अपने टाइम निकाल करके उनका हिस्सा भी रख देंगे, लोग अपने से बाद में खा लेंगे रोटी पकवान। तो मैं फटाफट से अपना खा लेता हूँ। ठीक, तो पापा जो है उधर दुकान तरफ थे, अभी नीचे आ गए हैं, तो देखिए हम लोग किस प्रकार से पैर धोते हैं दोस्तों, आप लोगों को दिखाता हूँ जो मम्मी पापा का पैर धो रही है। चलो धो, देखिए ये हड़िया पानी से पैर धो रही है पापा का।
और पापा पैसा दे रहा है। उतर दो। दे दे जी, दे दे। और पापा ले हड़िया दे रही मम्मी। तो देखिए इस प्रकार से मिल बाँट के ठीक है हम लोग त्यौहार मनाते हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो मैं जो है फटाफट से वाइफ के लिए फिर रोटी पहुंचा देते हैं। मैं तो खा लिया दोस्तों और मम्मी भी खा ली, पापा को खिला लिए। तो अभी जाते हैं वाइफ के लिए देने के लिए, पेट भर गया, ढकार आ रहा है। तो देखिए मैं उनके लिए रोटी निकाल दिया हूँ, इसमें नमकीन छूट गया था। ठीक है नमकीन। और मम्मी तुम एक अलग से क्या रोटी बना रही थी, नहीं दिखाई? थप्पा कहाँ? थप्पा नहीं है, मम्मी रख दिए कहीं पे, उसको बाद में निकालेंगे। तो ये देखिए स्पेशल भजिया, और ये है इधर मम्मी थप्पा रोटी ना, और ये है नमकीन। तो जाते हैं वाइफ के लिए देख करके आते हैं। ठीक है तो आप लोग चलिए चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग बने रहिए और पापा इधर बैठे हैं और मस्त क्या पी रहे हैं। नहीं तो खुश खुश पास का पर्व तो बोल दो। खुश खुश पास का पर्व मुबारक हो। हाँ और कुछ 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 इस पास का पर्व का उपलक्ष्य में हम लोग मटन चिकन रोटी पूड़ी सब भगवान का माता मरिया का 70 संयम में रह कर अच्छा से हम लोग खा पी रहे हैं। और अच्छा से 2022 में 21 में जो खाए पिए 2022 में ऐसे ही खाए पिएंगे और जिंदगी अपना बढ़िया से जीवन बिताएंगे। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पापा है जो बोले बहुत कुछ आप लोगों को। तो चलिए काफ़ी धूप भी है और देखिए इधर हमेशा की तरह मेरा ये सीढ़ी पहाड़ चढ़ने वाला, और इधर देखिए क्या ही सीन है इधर से। तो चलिए वाइफ के लेके चलते हैं इधर रोटी, पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे। थोड़ा देर पहले ही खाना खाई हूँ बोल रही थी, तो है कि नहीं है वो भी देखते हैं। इधर हो? अच्छा इधर है, ये देखिए मेरे वाइफ। नहीं तो जरा नहीं 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 बुझा बंद कर मेरा। हाँ तो बोलो बोलो, खुश खुश पास का पर्व बोलो। चलो खुश खुश पास का पर्व। अच्छा से बोलो, अच्छा से जेसु खुश खुश पास का पर्व। तो देखिए मैं तुम्हारे लिए क्या ला दिया हूँ, ले रोटी। उधर मम्मी और पापा तो खा लिए बस तुम्हारे लिए, और विक्रम तो सो रहा है। सोने दो, इधर है खाएगा तो। विक्रम उठा तो था, वो सो रहा है नीचे। ठीक है तो मेरी वाइफ जो है उसको हमेशा हम लोग दुकान में बैठा के रखते हैं। लेकिन मेरे को तो खाने को मन नहीं। नहीं नहीं खाओ 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 खाओ। आ विक्रम खाना खा दे, तेरे लिए कुछ आया है खाएगा तो खाओ। विक्रम से मिलवाते हैं, लेकिन विक्रम है तो है कहाँ, अपना भाई। तो देखिए मेरी वाइफ रोटी खा रही है, खाओ 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 खाओ, तुम्हारे लिए तो ला दिया, तुम बनाई है, बताओ कैसा लग रहा है। मेरे को तो अच्छा लगा चिकन भी। मैं कैसे बताऊंगा, चिकन भी मैं बनाई। हाँ अच्छा लगा चिकन, देखो नमस्ते खा गया, देखो मैंने ला दिया। नहीं खाऊंगी रे ये, खा तो ये सब नहीं खाऊंगे। मैं बना दी पेट भर के, तुम लोग खा। विक्रम नहीं उठेगा ना, सो रहा है। उठा दो। तो वाइफ खाएंगी दोस्तों, और आप लोग किस तरीके का मनाएं आप लोग ज़रूर बताइएगा, हम लोग कैसा मनाएं। आप लोगों को शेयर किए, और मेरे भाई बहुत ही अच्छा से रोटी पीठा सब्जी नमकीन भजिया बनाई है, बहुत ही टेस्टी लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है तो आप लोग भी कैसा मनाएं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मैं तो आप लोगों को शेयर किया, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नया दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है जो हम लोग का आज का जो ब्लॉग रहा दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तो अभी जो है ना आज ये पास्का पर्व के साथ साथ और कुछ होने वाला है, तो आप लोग जो है इसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, कुछ होने वाला है दोस्तों। ठीक है तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करे रहिएगा, तभी आप लोगों को वो वीडियो देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए दोस्तों बाय बाय, हम लोग ऐसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के बाय।